हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम जेसार होम मेड रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ माता का भोग नवरात्रि में। और फ्रेंड्स, बिना आटे के मैंने ये हलवा बनाया है, जो इतना देखने में अच्छा नहीं, खाकर देखिए इसका टेस्ट इतना बढ़िया और इतना हेल्दी है ये। और फ्रेंड्स, चने में बिना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है मैंने, और इतना जबरदस्त मसाला देखिए, आपको दिख ही रहा होगा ना। तो आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, और आप सबको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बनाते हैं फिर बिना रुके हुए। तो ये फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी चने लिए हैं जो बहुत ही छोटे साइज वाले हैं ना, वो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। सबसे पहले इन्हें भिगो देते हैं, तो मैंने पहले ही भिगो दिया था टाइम की वजह से, और ये अच्छे से भीग गए हैं, देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं ना। तो ये मैंने 4 लाल मिर्च ली है, और ये फ्रेंड्स इसे देसी मिर्च बोलते हैं, और इसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और एक हरी मिर्च ली है, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, और कम से कम 10 से 15 मिर्च काली मिर्च ली है, और 1 चम्मच जीरा, और 5 से 6 काजू लिए हैं। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और छोटा वाला जार लिया मिक्सी का, तो अब इसमें मिर्ची डाल देते हैं, और ये सारे मसाले ही डाल देते हैं, जैसे काजू और जीरा और काली मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं इसका। और ये देखिए मैंने कितना अच्छा सा पेस्ट बना लिया इसका, है ना। तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इसी मिक्सी जार में अब टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसे मैंने कट कर लिया है, और अब एक कुकर को मैंने गैस पर रख दिया, फ्लेम को कर दिया ऑन, और कुकर भी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया, तो रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं इसमें। और हाँ फ्रेंड्स, आप सरसों ऑयल भी ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने। और हरी मिर्ची को मैंने यू कट कर लिया है, तो हरी मिर्ची डाल देते हैं, और अच्छे से थोड़ी सी भून लेते हैं इसे, और अच्छी सी फ्राई हो चुकी है हरी मिर्ची हमारी, तो चने डाल देते हैं। चनों को मैंने अच्छे से धो लिया है, और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और आधा चम्मच डाल देते हैं नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हल्दी नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से तेल आ चुका है, तो जो हमने मिर्ची वाला पेस्ट बनाया वो डाल देते हैं, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, और अब टमाटर वाला जो पेस्ट बनाया वो डाल देते हैं, और थोड़ा सा मिक्सी में जो लगा वो भी डाल देते हैं, और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेते हैं, जब तक इसमें तेल नहीं, ये जब तक इसमें तेल आ जाए, जब तक ये देखिए अच्छे से तेल आ गया, तो 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर देते हैं, और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और ढक्कन लगा देते हैं। और ढक्कन लगाकर अब 4 सीटी आ चुकी है इसमें, 4 सीटी लगा दी मैंने, तो फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और जब तक सीटी नहीं निकले तब तक इसे यूं ही बंद रहने देंगे। और ये फ्रेंड्स, मैंने दलिया लिया है, तो 1 कप दलिया ले लेंगे इसमें से, और आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। और ये मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, तो इसमें डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, ये देखिए ऐसा। और कुकर की सीटी भी निकल चुकी है, तो देखते हैं चनों का क्या हाल है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा कलर, और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी बढ़िया सी है ना, मसाला जबरदस्त हुआ है। आप ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, लेकिन मैं 5 मिनट से गैस पे वापस रखा है, और फ्लेम को ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पे अच्छे से इसे 5 मिनट पकाने के बाद में, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा मसाला एकदम से लिपटा लिपटा हो चुका है, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो बस फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, चने हमारे तैयार हैं। तो चनों को रख देते हैं एक साइड, और अब बना लेते हैं हलवा। तो एक पेन को रख दिया गैस पे, और ये मैंने आधा कप 120 ml घी लिया है, क्योंकि दलिया 1 कप लिया था ना, इसके हिसाब से। तो पेन भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसमें घी डाल देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, घी और कम खाते हो तो उससे भी कम ले सकते हो। और अब दलिया वाले आटे को निकाल लेते हैं, और घी भी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया, तो दलिया वाला आटा डाल देते हैं इसमें, और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और 5 मिनट अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और अब फ्लेम कर देंगे एकदम लो, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे पकाते हुए, तो अब लो फ्लेम पे अच्छा सा पकाएंगे। और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, ये देखिए एकदम लो फ्लेम पर पकाया ना मैंने इसे, इसलिए
तो 1 कप दलिया लिया था उसके हिसाब से 3 कप इसमें पानी ले लेंगे और आधा कप चीनी, और मीठा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो एक तरफ हमारा ये पक रहा है और गैस के दूसरी तरफ एक गैस पे इस चीनी वाले पानी को रख देंगे और बस इतना ही हमें इसे गर्म करना है कि चीनी घुल जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छी सी घुल चुकी है और अब फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ। तो ये जो चीनी वाला पानी है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पेन थोड़ा मैंने छोटा लिया है ना, इसलिए आप एक साथ भी डाल सकते हैं बड़ा वाला बर्तन लेकर, पर सारा ही पानी डालना है इसके अंदर। तो मैंने सारा पानी डाल दिया है इसमें और अब मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे चलाते चलाते सारा पानी हमें जलाना है, जब तक कि हमारी कढ़ाई घी ना छोड़ दे जब तक। और ये देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे गाढ़ा हो गया और अच्छे से घी छोड़ने लगी कढ़ाई, है ना, ये देखिए। और देखकर ही मन कर रहा ना खाने का, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स और हेल्दी तो इतना है मैं आप क्या बताऊं, छोटे बच्चों के लिए तो काफी बढ़िया है और खाने में भी टेस्टी है तो हेल्दी भी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इतने बढ़िया से हमारे चने बने हैं और इतनी ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनी है दोनों। तो आप सबको कैसी लगती है मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ आप मेरी पूरी रेसिपी देखें। थैंक यू सो मच।